हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आ चुके को न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कॉमेड के विड्रॉल को लेकर बात करने वाले हैं कि सभी में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, चाहे नेटवर्क इशू हो या फिर कोई विड्रॉल को लेकर, ठीक है। किसी को विड्रॉल मिल नहीं रहा है और बहुत लोगों ने अभी तक सेल कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया है उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने सभी एक्सचेंज और वॉलेट के बारे में ये वीडियो बनाई है, सभी का अलग अलग विड्रॉल मैंने बताया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो सभी का अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। तो पहले मैं टेलीग्राम वॉलेट के बारे में बात करूंगा कि उसमें आपको विड्रॉल कैसे लेना है, फिर मैंने एक्सचेंज और सारी चीज़ें, ठीक है, ईबीआई वगैरह सभी का मैं बताने वाला हूं। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है हमसे के विड्रॉल को लेकर, इसमें प्रॉब्लम्स भी होगी और सॉल्यूशन दोनों ही होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपने सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम वॉलेट का बात करूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम वॉलेट में लिया है तो यहाँ पे टेलीग्राम वॉलेट भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक तो ये टोन स्पेस बीटा और दूसरा बाकी के हैं पूरा वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आपने टोन वॉलेट बीटा से अपना वॉलेट कनेक्ट किया होगा तो आपको सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको दूसरे वॉलेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना टेलीग्राम वॉलेट में भी दो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो अगर आप टोन उसमें किया होगा तो आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप ये टेलीग्राम सॉरी कॉम्बेट शो नहीं हो रहा तो यहाँ पर आपको रीलोड कर देना है, ठीक है। थ्री डॉट पे जाके रीलोड पे आप रिफ्रेश पे जिस पे क्लिक करोगे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको इसके अंदर क्या होगा तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, आप रीलोड करके देख ले सॉरी रीलोड करके देख लेना, पेज को आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन तो मिल चुका है लेकिन आपके टोकन आपको जीरो बता रहा है तो दोनों में चेक कर लेना, आपने किस में किया आपको पता नहीं होगा, तो दोनों में चेक कर लेना आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, टोन स्पेस बीटा में आपको कल ही मिल गया था लेकिन आज दूसरे वॉलेट में आज मिलेगा तो आप आज विड्रॉल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर मिल चुका है तो आप यहाँ पर सिंपली अगर आपको टोन में ही चाहिए इसी में आपको सेल करना है तो आप एक्सचेंज में क्लिक करके यहाँ आप ईजिली सेल कर सकते हो। मेरे यहाँ पे जीरो बता रहा है क्योंकि मैंने एक्सचेंज में किया था, तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपली डायरेक्ट समझा रहा हूँ तो ऊपर ऊपर से समझ लेना। तो बहुत लोगों के एक इशू आ रहा था कि वहाँ पे जब भी एक्सचेंज में या फिर विड्रॉल कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे आपको सर्वर इशू देखने को मिलता है जिससे आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली प्ले स्टोर से टोन कीपर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है कुछ लोगों को नहीं पता है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, प्ले स्टोर आपको ईजिली देखने को मिल जाएगी। ये रहा वो एप्लीकेशन, इसमें आप जैसे आपको ओपन करोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एक तो इंपोर्ट वॉलेट और दूसरा क्रिएट वॉलेट। तो यहाँ पर आपको अपना इंपोर्ट वॉलेट पे आपको क्लिक कर देना है और दूसरा आपको यहाँ पे इंपोर्ट वॉलेट ये वाला सेक्शन को आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे 12 या फिर 24 सीक्रेट की या फिर वर्ड देखने को मिलेंगे, वो आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको आ जाना है अपने टेलीग्राम वॉलेट में, ठीक है। टेलीग्राम वॉलेट में आपको टोन स्पेस बीटा में आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेटिंग के आइकन के जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फेस की वगैरह शो हो जाएगी। शो कैसे होगी, जैसे आपने अगर कोड वगैरह कुछ डाला होगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर देना और वहाँ पे जाके आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके आपका दोनों ही वॉलेट आपको ओपन हो जाएंगे, दोनों कौन से सॉरी फर्स्ट तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा और दूसरा ये वाला, ठीक है। दोनों ही आपको इंपोर्ट कर देना है, आपने जिसमें भी किया होगा वहाँ पे दोनों ही ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरा टोन बीटा वाला देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही टेलीग्राम वॉलेट देखने को मिल जाएंगे, आपको दोनों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा जिसमें भी आपने किया होगा, ठीक है। ये टोन बीटा वाला है नीचे वाला और ये आपका नॉर्मल टोन है, ठीक है। तो आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, जिसमें भी आपको देखने को मिलता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, हैमस्टर में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपका आपको सेंड पे आपको क्लिक करना है अगर आप किसी एक्सचेंज में लेना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से किसी भी एक्सचेंज जैसे कि MXC बाइनेंस वगैरह कुछ भी बायबिट किसी में भी लेना चाहते हो तो यहाँ आपको सेंड पे क्लिक करना है, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली एक एड्रेस डालना है, दूसरा कमेंट। कमेंट क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक्सचेंज में आपको मेमो डालने का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आपको मेमो इसमें फिल करना होता है, ठीक है। और एड्रेस तो आपको पता है कहाँ से लेना है, बहुत समझदार हो तो आप इजीली निकाल दोगे, ठीक है। हैमस्टर का एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना और मेमो अगर किसी एक्सचेंज में होता है किसी में नहीं होता है, अगर किसी में है तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और ध्यान रखना जैसे कि यहाँ पे आपको पेस्ट करते हो नीचे कुछ सजेशन में वॉलेट का ऑप्शन आए तो वहाँ पे क्लिक मत करना, आपका किसी और भी वॉलेट में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये
ऊपर डाल देना है और नीचे डालना है। बस यहाँ पे किसी का कुछ ऑप्शन आए सजेशन में कि ये आपका ये वॉलेट है रिकमेंडेशन में, तो वहाँ पे क्लिक मत करना, आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, एक बार मेरा ऐसा 70 वॉलेट का लॉस हो गया था, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ पहले। तो बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आप अपने कितने भी वॉलेट सॉरी कितने भी हैमस्टर सेल करना चाहते हो आपको सॉरी सेंड करना चाहते हो, यहाँ पे टाइप करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ीस लगेगी, ठीक है, ये फ़ीस आपकी शायद उस पर डिपेंड करती है टोकन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी में भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ये आपका 101% यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा। बाई चांस ये अगर फेल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना फेल हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से एक बार ट्राई करना, आपका इजीली हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे कट चुके हैं और एमएक्सी वॉलेट सॉरी एक्सचेंज में जा चुके हैं। मैंने सिंपली टोन वॉलेट का इसलिए बोला था क्योंकि टोन वॉलेट में ये प्रोसेस कम से कम हो तो रहा है। अगर बात करूँ टेलीग्राम वॉलेट की तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल ही नहीं रहा है, सीधा एरर आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इशू देखने को नहीं मिलेगा, कम से कम एक बार ये गलती से फेल हो जाता है, ठीक है, तो आपको दूसरी बार या तीसरी बार दो तीन बार ट्राई करोगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। और अगर आप किसी भी एक्सचेंज में अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि मेरे पास एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इसी में ही सेल कर सकते हो, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्वैप का ऑप्शन आएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम वॉलेट में कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सचेंज कुछ भी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऊपर में सेलेक्ट करना है हैमस्टर और नीचे आप जिसमें भी लेना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड कराऊंगा आप टोन में ले लो। अगर आप यूएसडीटी में लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे हैमस्टर लिख देना है, आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टोन में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर यूएसडी से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको टोन रिकमेंड इसलिए करता हूँ। और यहाँ पे मैक्स करके एंटर अमाउंट करके आपको सक्सेसफुली कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास थोड़े बहुत टोन है तो यहाँ पे टोन फीस लगेगी एक स्वैप में। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप टोन में ही करना, क्योंकि आप यूएसडी में करने जाओगे अगर आपके पास टोन फी नहीं है तो पहली चीज़ अभी भी लगेगी टोन फीस। और उन यूएसडीजी को अगर आप किसी एक्सचेंज में सेंड करोगे तो वहाँ पे भी टोन मांगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट आपको रिकमेंड करूँगे कि आप टोन में ही आप एक्सचेंज करें, ठीक है, और किसी में मत करना यूएसडीजी वगैरह। यूएसडीजी करना चाहते हो तो किसी एक्सचेंज में रखो, लेकिन इसमें यूएसडीजी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टोन कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस हो गए टेलीग्राम वॉलेट के, ठीक है। अगर फिर भी कुछ भी इशू आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ देना, मैं और भी बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सचेंज को लेकर, ठीक है। एक्सचेंज अगर आपके सभी का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, मैक्सी ले लो या फिर आपका बाइबिट ले लो, बैनिश ले लो, ठीक है, सभी में एक ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नीचे एसेट्स पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें आप जैसे चेक करोगे, ठीक है, ये आपका वो फंडी में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मेरे को इसी में मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा आपके हैमस्टर, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी फंड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, प्राइस अभी ये चल रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बैक करना है और यहाँ से आपको ट्रेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ट्रेड पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आपको ट्रेड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको हैमस्टर यूएसडीटी सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हैमस्टर देखने को मिल गया है, ठीक है। यहाँ से आपको हैमस्टर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से आपको 100% कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिमिट से हटाकर इसको मार्केट पे सेट कर देना है। और तो यहाँ पर आपको सेल शॉर्ट पे क्लिक कर देना है, आपका इजीली सेल हो जाएगा। मैंने कल यहाँ पे कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पे मेरा हैमस्टर यहाँ पे यूएसडीटी में मिल चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं हैमस्टर की, बात करते हैं हैमस्टर में। आपको सिंपली वॉलेट में आ जाना है और यहाँ पर आपको स्पोर्ट में आपको यहाँ पे हैमस्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपके जितने भी होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको नीचे ट्रेड पे आना है। ट्रेड पे आने के बाद यहाँ पर आपको सेल पे क्लिक करके यहाँ से 100% कर देना है, ठीक है। 100% करने के बाद यहाँ से आपको लिमिट को मार्केट पे सेट कर देना है, जो भी मार्केट चल रही होगी उसमें आपको सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको 100% क्लिक करना है और यहाँ आपको सेल हैमस्टर पे क्लिक कर देना है। अगर आपको प्राइस अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जैसे अब जाती है वगैरह, तब आपको सेल कर देना है। यहाँ पे सेल करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी वैल्यू कॉइन की वैल्यू 5 से नीचे है तब आपको एक इशू देखने को मिल जाएगा, आपका नहीं होगा। अगर आप $5 से नीचे है तो तब आपको क्या करना है, अपने वॉलेट में आ जाना है, ठीक है। वॉलेट में जैसे आओगे वॉलेट में आपको स्पोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने हैमस्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्रांसफर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्पोर्ट वॉलेट से आपको फंडिंग में ले लेना है, ठीक है। फंडिंग में लेके यहाँ से आपको मैक्स पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। मैक्स पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ आपको
कंफर्म ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपका स्पोर्ट से सीधा फंडिंग में चला जाएगा और फंडिंग से आपको कर देना है कन्वर्ट आपको अपने USDT में। अब जैसे आप फंडिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको अपने हैम्स्टर देखने को मिल जाएंगे। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको हैम्स्टर देखने को मिल जाएंगे आपके जितने भी कन्वर्ट ट्रांसफ़र हुए। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है USDT, ठीक है, टू में। यह आपको ऑटोमेटिक बता देगा। यहाँ से आपको सिंपली अपना अमाउंट लिख देना है जितने भी हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अमाउंट लिख के आपको ट्रेड पे क्लिक कर देना है। या आपकी जितने भी वैल्यू होगी आपको इजीली बता देगी और ये आपको इजीली सेल कर पाओगे यहाँ से डायरेक्टली। भले आपको $1 हो, $2 हो, ईजिली हो जाएगा, ठीक है, 5 की ज़रूरत नहीं है। अब तक मैंने यहाँ पे आपको बाइनेंस का बता दिया, बायबिट का बता दिया, टेलीग्राम वॉलेट, ऑनचेन, इन सभी का बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको EBI एक्सचेंज का नहीं बताया। ये क्या होता है सारी वीडियो में सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। कुछ लोगों ने किया इसमें, ठीक है, और यहाँ पे नहीं करना था। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करना था, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है बाकी सब के कंपेरिजन में, ठीक है। एक्सचेंज में क्या होगा, बाकी सब में उन सभी को मिल चुका है अभी तक और उन्होंने सेल भी कर दिया अच्छी खासी में, और यहाँ पे धीरे धीरे टेलीग्राम वॉलेट वालों को भी मिल रहा है तो वो भी सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक इशू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक लोगों को कॉइन वगैरह नहीं मिले, फिर भी अगर जब भी कॉइन मिल जाते तब मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको करना क्या है, कैसे कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये हॉट वॉलेट का एक्सचेंज वाला ऑप्शन है, ठीक है। हॉट वॉलेट में इसमें आपको एक वॉलेट देखने को मिल जाएगा, उसमें खुद का एक एक्सचेंज है EBI एक्सचेंज, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे हॉट वॉलेट यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ये ऐसा कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ओपन वॉलेट पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर देना है, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अपना एक अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट बन रहा है, तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका वॉलेट बन जाए, बहुत लोगों का ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, नीचे ऐप्स पे आपको क्लिक करना है। ऐप्स पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको EBI एक्सचेंज XYZ, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी इसका सिस्टम अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इशू आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली मैं बता देता हूँ कि आपको टोकन कहाँ पर रिसीव हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको हैम्स्टर स्पोर्ट USDT, ठीक है, ये कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ हैम्स्टर लिखता हूँ, तो ये आपको देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मिले होंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली सेल पे क्लिक करना है। सेल पे आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ से आपको लिमिट से आ जाना है सीधे मार्केट पे। मार्केट पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको 100% कर देना है यहाँ से, ठीक है। अगर आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आपको वॉलेट कनेक्ट कर देना है अपना, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सिंपली अपने हैम्स्टर टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर आपको 0 ही शो होगा, ठीक है। तो आपको वॉलेट कनेक्ट कर देना है, ठीक है। वॉलेट जैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको अपने हैम्स्टर जब भी आएंगे अपने वॉलेट में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप वॉलेट पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको सेल कर देने, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वॉलेट कौन सा, टेलीग्राम नहीं, यहाँ पे आपको अपना हॉट वॉलेट कनेक्ट कर देना है, ठीक है। हॉट वॉलेट पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल करके इजीली अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अपने वॉलेट में देखने को मिल जाएंगे अपने हैम्स्टर। जैसे आप अपने वॉलेट पर क्लिक करोगे कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ से आपको अपने हैम्स्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, हैम्स्टर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने हैम्स्टर से जिसमें भी आपने सेल किया हुआ USDT में, तो यहाँ आपको USDT देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप इजीली सेल कर पाओगे अपने टोकन, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस, मैंने A to Z सारे दिक्कत वगैरह सारी मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। मैंने बाइनेंस का बता दिया, बायबिट का बता दिया, EMI का बता दिया, वॉलेट वगैरह ऑनचेन सभी का बता दिया कि किस में कैसा आपको सेल करना है और कैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अब वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप अपने आप मेरे और अपने ही, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा डाउन चल रहा है तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ से ज्वाइन कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आया तो, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।